मॉड्यूल वन सिक्सटी फोर दिस मॉड्यूल इज रिलेटेड विद द कॉर्पोरेशन एंड द ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम हेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप एंड दरियटेशन ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन अब थोड़ी सी हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की बात करेंगे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो किस तरह इवॉल्व की किस तरह इमर्ज हुई किस तरह वो डिवेल्प हुई किस तरह वो, वो पूरी वर्ल्ड में अक्रॉस द कंट्रीज स्प्रेड हो गई और अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया और किस किस्म के उन्होंने बेनिफिट रिक्वायर किए अब ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है पहली बात तो उनमें उन जो इंपॉर्टेंट है वो कि दे हैव हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑपरेशन यानी जो आज के दौर में आप ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन देखते हैं वो हिस्टोरिकली डिफरेंट फॉरन कंट्रीज में अपने ऑपरेशन करती रही है तो इसलिए ये हिस्टोरिकली इवॉल्व किया है एक पॉइंट तो ये है यानी ये कोई सडनली अपियर नहीं हुई कोई कंपनी ये नहीं हुई कि चंद दिन में उसने एफर्ट की और उसके बाद वो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन बनकर सामने आ गई बल्कि ये पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है टू डिपैट काशनल कॉरपोरेशन का दूसरी चीज ये हुई जो है वो ब्रिटेन में खासतौर पर फ्रांस में और नीदरलैंड में बेस करती थी यानी ज्यादातर जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन का कंट्री ऑफ ओरिजन था वो या तो ब्रिटेन था या फ्रांस था या नीदरलैंड था और ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया और डाइवर्सिफाई कर दिया अपने ऑपरेशन कोलोनियल को को टेरिटरीज में क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज जो थी वो उनके ऊपर ये रूल कर रहे थे ब्रिटेन रूल कर रहा था फ्रांस नीदरलैंड वगैरह के अंडर कंट्रोल थे तो वहां पर ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन मूव कर गई पेनिट्रेट कर गई और वहां पर जाके उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया अपने प्रोडक्शन प्रोसेसिस को उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड भी किया तो कॉलोनीज ऑफ एक्सप्लॉटेशन जो थी जहां पर रिसोर्सिस को एक्सप्लॉयट करना पर्पज था उनको कॉलोनीज इसलिए बनाया गया या उनको कॉलोनीज के तौर तो पर कंट्रोल उनके ऊपर इसलिए रखा गया वहां पे उनका फोकस प्राइमरी और ट्रशरी सेक्टर के ऊपर था यानी ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन कहा गई प्राइमरी और ट्रशरी सेक्टर को फोकस किया उन कॉलोनीज में जिसमें मिनरल्स की एक्सटेक्शन में चली गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और आउटपुट के ऊपर चली गई फिर ट्रेड इससे रिलेटेड ट्रेड के ऊपर चली गई और फाइनेंस पे चली गई ये फर्दर जो इनकी ये इंड्यूस हुई थी बाई अपॉर्चुनिटीज फॉर मोनोपलाइजिंग एक्सटर्नल ट्रेड क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमने यहां से रिसोर्सिस को एक्सट्रैक्ट किया खासतौर पर मिनरल्स को खासतौर पर एग्रीकल्चर रिलेटेड को तो हम ए, इंटरनेशनल ट्रेड में मोनोपलिस्टिक पावर अटेन कर लेंगे अब जैसे फर्स्ट कर लें आ, सब कॉन्टिनेंट में राइस जो है स्पेसिफाइड और हाई क्वालिटी राइस एग्जिस्ट करता है अब अगर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन राइस की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर लेती है तो उसके बाद वो अक्रॉस द वर्ल्ड उस राइस को सेल कर सकती है और अपने ब्रांड को स्टेब्लिश कर सकती है तो अब वो जो राइस होगा वो बेसिकली इसलिए सबकॉन्टिनेंट चूंकि उनकी ए, कंट्रोल में रहा तो वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्होंने चीपली उसको और उसके बाद उसको हाई प्राइसेस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सटैंडराइज प्रोडक्ट बनाकर सेल कर दिया तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी मोनोप्री को भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंश्योर कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम जो था उसकी लिमिटेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी कॉलोनी को सेटलमेंट में और वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करता था क्योंकि वहां पर उसके लोग सेटल होने होते थे एटीन सेवनटीज में प्रोमिनेंट यूएस एफडीआई है वो हुई थी ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या अफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए टैरिफ बैरियर के एंड मार्किट नीड फोकस्ड ऑपरेशन किए गए यानी यूएस जो है वो क्या के? उसने क्या किया उसने अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एटीन में ना स्प्रेड की फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसको टेरिफ का सामना करना पड़ा डिफरेंट कंट्रीज ने टैरिफ इम्पोज कर दिए कि आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर सकते आप हमें इंपोर्ट नहीं कर सकते हमें ए, कर, ए, अप, ए, सेल नहीं कर सकते हमारी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट तो फिर उन्होंने क्या तरीके का निकाला यूएस ने या ब्रिटेन ने कि उन्होंने एफडीआई स्टार्ट कर दी उन कंट्रीज में जाकर प्रोडक्शन देनी शुरू कर दी ताकि वहां पर जो मार्केट एग्जिस्ट करे थे उसको कैप्चर कर सके और बेसिक उनका फोकस जो है वो ऑपरेशन रहा क्योंकि खुद जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बजाय यानी डायरेक्ट उसको बिजनेस को खुद इनिशिएट करने के बजाय वो ऑपरेशंस में ज्यादातर है कि बिजनेस उनके ऑपरेट कर रहे थे वहां पर आफ्टर वर्ल्ड वार टू यूएस एफडीआई इन्फ्लेक्स हुआ और जो कंसाइड कर गया विद पॉलिसी ट्रेक्शन फॉर हाईली अनएम्प्लॉयड एरिया क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत सारी एक तो कंप्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी उनकी इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई अन्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई उसके अलावा रीहेबिलेशन के लिए बहुत ज्यादा नीड थी तो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड थी दूसरी कंट्रीज हमारे जो कंट्रीज जो बाहर से इफेक्टिव थी आ, वो चाहती थी कि दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट करें हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहांस करें हमारी रीहेबिलेशन जो है उसको सपोर्ट करें उसके लिए और हमारे लिए अनएम्प्लॉयड जो है हमारा उसको एम्प्लॉय करें और इस तरह का ये एक सपोर्टिव मैकेनिज्म दें तो ये उनकी पॉलिसीज थी सपोर्टिव और उसको चूंकि यूएस उस अगर इंटेंशनली इन्वेस्टमेंट कर रहा था अक्रॉस द वर्ल्ड खासतौर पर वेस्टर्न एरियाज में क्योंकि उसको टैरिफ्स का सामना था तो वो चाहता था कि मैं टैरिफ्स जो है उसको वायलेट कर लूँ किसी तरीके से तो एफडीआई जो है उसका एक बेहतर हाल था और वे था तो इसलिए वो भी इन्वेस्टमेंट करता रह गया यहां से फिर एक ट्रांस जो बिजनेस सेटअप होते गए वो कॉर्पोरेशन सेक्टर में कॉरपोरेशन के फॉर्म में डेवलप होते गए और ये कॉरपोरेशन जो है वो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की शक्ल में आती है अब ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती हैं उनके कुछ मोटिव होते हैं जैसे एक फॉरन प्राइमरी सेक्टर है उसके ऊपर वो क्यों फोकस करेंगी ताकि एक्सेस मिले एक्सप्लॉयटेबल नेचुरल सोर्सेस को यानी ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सोर्स को, को एक्सप्लॉयट कर सकें ज्यादा नेचर रिसोर्स तो को एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या है कि उन्हें वो रॉ मटेरियल मिल जाएगा जिसके बेसिस पे वो कोई हाई वैल्यू, वैल्यू और हाई क्वालिटी या हाई वैल्यू, वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं जिसको वो एक्सटैंड फॉर्म में इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकती हैं और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं दूसरा लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म जो है उनको जो एक्सेस लेते हैं वो मार्केट और चीप लेबर जो है उसको कैप्चर करने के लिए यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में वो स्किल जाती है ट्रांसनेशन कॉर्पोरेशन ताकि एक तो जो चीप लेबर है हम उसको एक्सप्ल कर लें उसको इम्प्लॉय कर लें और हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो हो जाए और दूसरा जो मार्किट है उस एरिया की और उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की उसको हम कैप्चर कर लें उसके अलावा जो मैनुफेक्चरिंग जो एफडीआई है वो इन ट्रांसनेशनल कॉपोरेशन की वजह से ही कंसनट्रेट कर गई थी इंडस्ट्रियालाइज वर्ल्ड में ज्यादातर वो इंडस्ट्रियालाइज वर्ल्ड को उन्होंने टारगेट किया और वर्ल्ड में ही ज्यादातर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन स्टेबलिश हुई उन्होंने वहीं पे ज्यादा ग्रूम किया डेवलप किया उसकी वजह से मैन्यूफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा वहां पर चली गई उसके अलावा यह फ्लोरिश हैं ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनलेशन बिकॉज ऑफ फॉरन मार्किट क्योंकि अगर फॉरन मार्किट ना होती तो लोकल मार्केट हमेशा या डोमेस्टिक मार्केट एक लिमिटेड मार्केट होती है उसमें आप इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते और लोकल दूसरी फर्म भी आपको थोड़ा सा कंपटीशन देती हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही फर्म पूरी की पूरी नेशनल मार्केट को पूरी की पूरी डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर ले तो इस वजह से ये ज्यादा ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की फॉर्म में भी तब आई जब इन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की और वहां पर मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया फिर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो मूव करते हैं सर्विसेज में बिकॉज ऑफ नेशनल नेशनलाइजेशन जो मूव स्टार्ट हुई थी जिसमें ऑयल प्रोडक्शन के जो नेशन थी खासतौर पर वो कहती थी कि हम ये खासतौर पर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम नेशनलाइज कर लें तो वहां पे और दूसरे जो फॉरन प्रेशन थे उनमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की अकाउंटिंग की और बैंकिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन ने क्या किया उन्होंने सर्विस सेक्टर में जम कर दिया और अकाउंटिंग की सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट की सर्विस बैंकिंग सर्विसेज इसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और इस तरह वो प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर तक मूव कर गए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्टिकल इंटीग्रेशन हासिल की उसका फायदा यह हुआ कि रिसोर्स को खुद एक्सट्रैक्ट करते थे प्रोसेस करते थे फैब्रिकेशन करते थे उसकी और खुद ही डिलीवर करते थे फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में फर्म्स को और कंपनीज को तो ये चीज क्या होती थी सारे जो स्टेप बाइप प्रोसीजर होता था इस सारे में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्सप्लॉयट करने का मौका मिल जाता था दूसरा पेट्रोलियम से रिलेटेड जो ट्रांसनेशनल कारपोरेशन थी उनका होल्ड बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ कॉरपोरेशन थी जो पूरा होल्ड करी थी पेट्रोलियम को एक्जोन थी शेल टेक्सा टेक्स को मोबिल थी स्टैंडर्ड ऑफ कैलिफोर्निया बीपी और गल्फ ये थोड़ी सी फर्म्स हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये मैनेज करती हैं उसके अलावा ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है उनका कंट्रोल उनकी प्लानिंग और रिसर्च फंक्शन जो थे ना वो होम कंट्रीज में होते थे यानी वो यूके और यूएसए से बाहर नहीं जाती थी इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फंक्शन क्योंकि ये चीजें वो है कंट्रोल के नतीजे में भी प्लानिंग और रिसर्च इन ये चूंकि एक इंटीग्रेटेड है एक बात और दूसरी चीज ये कि इनका जो इंपैक्ट है या इन्फ्लुएंस है वो लीड करता है टूवर्ड्स ग्रोथ और टूवर्ड्स न्यू आइडियाज न्यू मैनेजमेंट स्किल्स न्यू टाइप ऑफ बिजनेस तो वो सारी की सारी चीजें फ्लोरिश नहीं करना चाहते थे वो uh, पेरिफ्रीज में या दूसरी कंट्रीज में जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करते थे तो so, इसलिए वो होम कंट्री पे बेस करते थे इन चीजों को डोमिनेट किए हैं ये ज्यादातर पेट्रोकेमिकल्स में ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन uh, और दूसरा इनको इसकी एक गुड एग्जाम्पल है जो कि लीडिंग वेस्टर्न निकल प्रोड्यूसर है uh, ये ऑपरेट करती है माइन्स में स्मेल्टर्स में और फाइनरीज में यानी मल्टी डायमेंशनल है तो इसी तरह ये जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन होती है या तो ये करती हैं कि वर्टिकल ए, इंटीग्रेशन ले लेती हैं या फिर हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में चली जाती हैं या हॉरिजेंटली डाइवर्सिफाइड कर लेती हैं अपने आप को ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स को कैप्चर किया इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन में जाकर इकोनॉमिक स्केल एंड स्कोप की बेसिस के ऊपर वो अपने प्रॉफिट को और मार्केट को इंश्योर कर लेती हैं और ऑटोमेटिकली जो स्कोप होता है छोटी छोटी लोकल फर्म्स का वो कम हो जाता है तो कोई एक बड़ी कंपनी जब आपके कंट्री में आती है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन तो वो एक किस्म का थ्रेट क्रिएट कर देती है लोकल कंपनीज के लिए जितनी मर्जी बड़ी हो लोकल कंपनीज वो उसके लिए कंपीट उन, उन, करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है लोकल फर्म्स के लिए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के साथ अनलेस आंटी के वहां पे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करे कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स दे लोकल इंडस्ट्री को और जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे अगर वो इतनी निगोशिएटिंग पावर होल्ड करती हो वरना ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती है यूजली वो बहुत ज्यादा लिवरेजेस होल्ड कर रही होती है तो वो उन लिवरेजेस की बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग निगोशिएटिंग पावर रखती होती है तो इस वजह से ये एक बड़ा डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ना स्ट्रक्चर बनता है